Hi everyone, welcome to an exclusive show, The Talent Mohalla, presented by Rise the Nation, एक कदम बढ़ते भारत की ओर. और आज Rise the Nation की टीम आई हुई है उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के एक छोटे से गांव सिरसा खास में. हमें पता चला है मिस्टर राजीव प्रकाश जी के एक स्पेशल टैलेंट के बारे में. क्या है उनके अंदर टैलेंट, आइए चलते हैं उनके कंप्यूटर सेंटर में. अब हम आ चुके हैं मिस्टर राजीव प्रकाश जी के कंप्यूटर सेंटर के अंदर. सर, आपके बारे में हमें एक स्पेशल टैलेंट का पता चला है, क्या टैलेंट है आपके अंदर? सर, मेरा तो पहला तो सिंगिंग है. जो मैं, ये मान लीजिए मैं जब 12-13 साल का था तभी से कर रहा हूँ, और उसके बाद थोड़ी मिमिक्री वगैरह वो भी हो जाती है. हम ये देख रहे हैं कि आपके ये आप हैंडीकैप्ड हैं, क्या कैसे हुआ था ये सब? ये एक्चुअली में क्या है, आफ्टर बर्थ ऐसी एक जैसे पोलियो वगैरह, तो वो मेरे साथ ऐसी घटना हुई जैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई मेरे साथ. लेकिन इसका मैंने कभी भी वो नहीं किया, यही मेरे अंदर एक पावर इंक्रीजमेंट लेके आता है और जिससे आप लोगों के सहयोग से मैं आता हूँ. बहुत बढ़िया, बिल्कुल सच बात है, आदमी में जुनून होना चाहिए, ताकत तो अपने आप ही आ जाती है. जी जी बिल्कुल. तो शुरू करते हैं आपके टैलेंट को. लेट्स स्टार्ट विद मिस्टर राजीव प्रकाश जी विद सिंगिंग एंड मिमिक्री. बहुत सारा एंटरटेनमेंट होने वाला है डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद के एक छोटे से गांव सिरसा खास में राजीव प्रकाश जी के साथ. एंजॉय करते रहिए हमारे साथ टैलेंट शो टैलेंट बॉल का. वाह क्या बात है, मज़ा आ गया. ये तो आपने गाना म्यूज़िक के साथ गाया, ट्रैक के साथ गाया, आप कोई एक ऐसा गाना गाएं जो बिना ट्रैक के हो. जी ठीक है, एक गाना है जी. बिल्कुल फरमाइए. रफी साहब का है. क्या बात है, तो उसको सुनाते हैं. स्वागत है. लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में हजारों रंग फसाने बन गए. लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में हजारों रंग के फसाने बन गए. सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आए तो सितारे बन गए. लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तो आए कहीं चटकी कली कोई, कहा ये जुल्फ लहराए. लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में हजारों रंग के फसाने बन गए. सवेरा जब
वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने सिंगिंग तो बहुत अच्छी की, आपने भी बताया था कि आप मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, मिमिक्री भी करते हैं, किन किन आर्टिस्ट की, किन किन एक्टर्स की आप मिमिक्री करते हैं? मैं असरानी जी और शत्रुघ्न सिन्हा जी को कर लेता हूँ। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो असरानी साहब और शत्रुघ्न सिन्हा की मिमिक्री देखने को मिलेगी आप राजीव प्रकाश जी के साथ। आप मिमिक्री करके ज़रूर दिखाइएगा सर। भैया क्या बात है, राइजिंग इंडिया के टैलेंट मोहल्ला आपके गांव नगर में छुपी प्रतिभाओं के लिए कौन भी टैलेंट हो तो बता। बहुत बढ़िया, सुपर। बहुत बढ़िया, सुपर। शत्रुघ्न सिन्हा की तो आपने बहुत अच्छी करी। अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई टैलेंट है तो आप भी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे इस पोस्ट पर नीचे कमेंट कीजिएगा जिससे कि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके। तो आज आपने देखा एक ऐसे आर्टिस्ट को जो भले ही हैंडीकैप्ड है लेकिन उसने कभी भी अपनी इस कमी को जग जाहिर नहीं किया, अपनी ताकत से, अपनी ऊर्जा से अपने जीवन में आगे बढ़े, भले ही गाँव में सही लेकिन अपने कंप्यूटर सेंटर से एक मुकाम हासिल किया। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये टैलेंट आम जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। यूट्यूब और फेसबुक पर हमारे पेज राइज द नेशन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए हमारा ये स्पेशल कार्यक्रम टैलेंट मोहल्ला प्रेजेंटेड बाय राइज द नेशन, एक कदम बढ़ते भारत की ओर। थैंक यू वेरी मच। तो फिर एक्टिंग? अरे बिल्कुल भी नहीं, कॉमेडी ही कर लो। मोहल्ले का नाम बदनाम कराओगे, वही तो टैलेंट होगा आपके पास। ना, मेरे पास तो टैलेंट नहीं है। क्या आपके पास है टैलेंट? अगर है तो आ रहे हैं हम आपके पास।